नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बजट आने वाला है जल्द ही, 23 जुलाई से ना, 23 जुलाई को डेट है बजट का। और मैं यहां पे आपको बता दूं कि बजट पे कौन सा सेक्टर बजिंग हो सकता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बजट के लिए बजिंग सेक्टर और उस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सर, बजट के लिए स्विंग ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो पर एक वीडियो बना दीजिए। तो स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो देखिए, बजट क्या होता है ना, वन डायरेक्शन का तो होता नहीं है ना, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। बाजार इसको किस डायरेक्शन में लेगा पता नहीं। अच्छी बात होगी तो अब कह देगा कि भाई हम टैक्स पेयर का जो है टैक्स में राहत दे रहे हैं, तो उसके जेब में पैसा छोड़ रहे हैं, टैक्स पेयर के हाथ में पैसा रहने देंगे, पब्लिक के हाथ में पैसा रहने ही देंगे, है ना, ईएमआई उसको कम देना पड़ेगा, तो क्या होगा कि मार्केट बूम करेगा। लेकिन अगर कहेगा हम टैक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल गेन टैक्स को और बढ़ा देंगे, है ना, मार्केट में जो है ब्रोकर के पास में हम चार्जेस और बढ़ा देंगे, साथ ही ट्रेडर पर मार्जिन इशू हम लाद देंगे, ये सारी बातें होगी, तो उसको बाजार निगेटिव भी ले लेगा। तो अलग अलग मिक्सअप होता रहेगा वो अलग। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर तो होंगे ना जिस पर सरकार का बेस्ट फोकस होगा, बढ़िया फोकस होगा कि हाँ ये सेक्टर चल सकता है कि नहीं, ये दिमाग में तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आना ही चाहिए दिमाग में। तो देखिए, सरकार सबसे पहले पीएसयू पे ध्यान देगी, अपना कंपनी पर। अपना कंपनी जैसे कि मतलब सरकार के पास तो लगभग 600 से ज्यादा कंपनियां ना, आई थिंक 600 से नहीं, मतलब मैंने एक बार लिस्ट जारी किया था, 23, 40, 50, 60, 70 कंपनी से ज्यादा का मालिक है सरकार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 60-70 कंपनी से ज्यादा का मालिक है, वो भी लिस्ट शायद कम ही होगा। तो उसमें जो बेस्ट पीएसयू है, जैसे डिफेंस पे खबर ये आई है कि भारत अब स्नाइपर बंदूक जो होते हैं ना, उसका भी एक्सपोर्ट करने लगा है, अच्छी बात है। जो छोटे छोटे देश हैं वो कस्टमर है भारत के। और इधर भारत ने, ये भी खबर उड़ता उड़ताया, क्या सही है क्या गलत, कि भारत ने रशिया को भी गोला बारूद एक्सपोर्ट किया है, रूस को, इसके अंदर यहाँ बन रहा है और वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसके अंदर डिफेंस सेक्टर काफ़ी हाईलाइट रहेगा, और डिफेंस पर आपको ऐसे स्टॉक्स नज़र रखना है जो कि पी वैल्यू वाइज कम हो, जिसका पी रेशियो कम हो, जिसका पी उसके वैल्यू से कम है, उसके सेक्टर के वैल्यू से, उसमें आपको मूवमेंट देखने को बन सकता है। अब आप इस ऐसा स्टॉक ढूंढिए। देखिए, आज भी एक खबर आई थी डिफेंस के बारे में, मैंने न्यूज ऐसे देखा था सुबह 8 बजे के आसपास में, तो कोई स्टॉक था ए से उसका नाम था, है ना, और लास्ट में एलओ आ जाता है, ठीक है। तो उस डिफेंस के बारे सेक्टर का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि भाई यहाँ पे लोग उसको पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह समझ लेते हैं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आप समझिए वो स्टॉक्स के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी चर्चा किया हुआ है। तो उसको सरकार ने ना शायद कोई ऑर्डर दिया है कुछ बनाने उनाने का, तो वो स्टॉक्स हो गया। उसके अलावा जो तेजस लड़ाकू बनाता है एचएएल, वो हो गया, कोचिन सीपीआर, ये सारे तो हैं। जो पावर कंपनियां हैं जो खासकर डिफेंस में भी काम करती है, जो बैटरी बनाती है सबमरीन सबका ना, सबमरीन चलता है तो किसी पावर से चलेगा, उसमें बैटरी वगैरह जो लगता है ना, वो कौन सी कंपनी बनाती है? एक का तो नाम एच से शुरू है, एल से खत्म हो जाता है, लास्ट में पावर आ जाता है, वो स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। उसके अलावा जो घर बनाने की कंपनी है, सेक्टर है घर बनाने वाला, है ना, सरकार का, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक है। अभी तो सरकार ने कहा 3 करोड़ घर बनाऊंगा, तो 3 करोड़ घर बनाऊंगा तो कहाँ से बनाएगा, किसी कंपनी के थ्रू बनाएगा, तो पीएसयू को मिलता है ज्यादा, तो उसमें तो सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, एनबीसीसी है, फूडको है, फलाना ढमकाना है कि नहीं, वहाँ पे भी फोकस बन सकता है। इसके अलावा आप जानें कि भाई रेलवे, देखें आरबीएनएल 620 हो गया देखते देखते, तो रेलवे वाली जो स्टॉक्स है, रेलवे वाली जो शेयर है आपको, क्योंकि रेलवे का एक सेपरेट बजट होता है जो यूनियन बजट में जोड़ दिया गया है, लेकिन रेलवे के लिए भी उसमें गाड़ी अनाउंस होगा, उसको भी पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, तो वहाँ पे भी फोकस बन सकता है रेलवे वाले शेयर में, है ना। तीसरा है बैंकिंग। बैंकिंग में तो भाई सरकार का वो गोद लिया हुआ बैंक है बेटा टाइप का, SBI, उस पर नज़र रख सकते हैं, केनरा बैंक हो सकता है, PNB भी हो सकता है, हाँ ये सारे बैंक पर नज़र रखें। इसके अलावा रियल इस्टेट, रियल सेक्टर, इंफ्रा वाली कंपनियां, है ना, रियल इस्टेट में तो जैसे मैंने बता ही दिया घर निर्माण वाली, NBCC,
पावर में आएगा आपका हाइड्रो पावर वाला में एनएचपीसी वगैरह आ जाता है, वो एसजेवीएन आ जाता है, ये सारे स्टॉक जो है पीएसयू वो आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस तरफ है ना, मतलब ये सब कुछ छोड़ के पावर में जैसे कोल इंडिया ओएनजीसी सब है, अगर हम अदर देखा जाए इंस्टीट्यूट को आईटी वगैरह में, ठीक है, तो आईटी वगैरह मुझे नहीं लगता इस बजट में कुछ खास ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी सरकार देखिए नया नया ताज़ा ताज़ा बना है, ठीक है, अभी सरकार का चुनौती है कुछ और, ठीक है, सरकार का चुनौती है एक तो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उस तरह के मार्जिन से वो नहीं आ पाया है, तो मुझे लग रहा है अगर वो अपनी स्टेबिलिटी खोजेगा और खुश रखने की कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल से टैक्स पेयर को थोड़ा राहत देने का कोशिश किया जाएगा। अगर टैक्स पेयर को राहत मिल जाता है तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पे फोकस आ जाएगा, क्योंकि तब टैक्स पेयर के हाथ में पैसा बचेगा, उसको ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो खर्च कर सकता है। तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पे, कपड़ा वाले स्टॉक्स पर है ना, टेक्सटाइल पर आपका कंजम्पशन जैसे कि गैजेट्स वगैरह है ना, ये सब स्टॉक्स पे फिर आपको नज़र बन सकता है। इसके अलावा जो फार्मा कंपनियां हैं है ना, उस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। फार्मा में भी चलता है कि भाई दवाई पर फलाना चीज पर इतना परसेंट लगेगा, चलाना परसेंट लगेगा, तो दवा पे खैर उतना मैं नहीं दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि उसमें एक इश्यू हमेशा रहता है USFDA का, इसलिए उसमें उतना माथा नहीं लगाता हूँ और कभी अपने पोर्टफोलियो में रखता भी नहीं। दवा वाले शेयर मैंने कभी नहीं रखे, भले ही वो कट फार्मा 120 से 600 हो गया, लेकिन मैंने फिर भी नहीं रखा, कभी अट्रैक्शन ही नहीं आता है दवा वाले में। इसलिए खाने पीने वाले शेयर पर फोकस हो सकता है ना, FMCG सेक्टर पर, FMCG सेक्टर पर आप ITC पे फोकस रख सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक जो प्राइवेट सेक्टर में पावर से रिलेटेड हैं, यानी कि जैसे अभी और टेलीकॉम से रिलेटेड है, तो अवेंटल वगैरह एक दिया था मैंने, काफ़ी शानदार रैली चला अवेंटल का, आप देखिए अभी भी चल ही रहा है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने वीकली शेयर में दिया एक आपको सर्वोटेक पावर सिस्टम, सर्किट लग गया उसमें तुरंत से। तो ये सब स्टॉक्स पे आप नज़र रखें और इस स्टॉक्स पर फोकस बना के चलें। देखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, एक आइडिया मोटा मोटी बता रहा हूँ कि ये सब स्टॉक्स को नजर रखना है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आप लीजिए ना लीजिए, वो आपका डिसीजन है भाई, है ना। मैंने सेक्टर और सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स आपको बताने की कोशिश किया है। कुछ स्टॉक्स के मैंने इनिशियल बताए तो वो आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि आप मार्केट से रिलेटेड आदमी है तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका शुरू का लेटर लास्ट का लेटर मैंने बोला, तो आप वहाँ पे भी नज़र रख के चले। बाकी इन्फ्रा का हुई हुए मैंने बता ही दिया। उम्मीद है कि इस बार मैडम जो है FM साहिबा टैक्स पेयर को थोड़ा राहत दे देना, तो मार्केट बहुत बूम करेगा, बहुत बूम करेगा। खाली कह दे कि भैया आपको इतना परसेंट टैक्स से छूट मिलकर अब इतने परसेंट टैक्स पे आते हैं और ये रहा, अब आपको यही देना है। तुम जानिए कि जबरदस्त जैसे कि 5 लाख टैक्स ले, कह देगा नहीं 10 लाख तक के छूट है, 10 लाख तक मैं आपको टैक्स नहीं भर, तो बूम हो जाएगा कि भाई 10 लाख तक भी कमाएंगे तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करेगा, टैक्स बच जाएगा तो मार्केट बूम करेगा, वो पैसा कहाँ लगेगा, आप कहीं खर्च कीजिएगा ना, तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स पर फिर फोकस रख सकते हैं। तो ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, आपको सोचना होगा, समझना होगा। मैं जब बचपन में बहुत छोटा था तो एक बार मैंने पूछा था, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि किसी बंदे ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया था, बहुत छोटा था और अभी भी वो हिट है, कि ये बजट क्या होता है। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था अपने ही घर में और अपने पापा से पूछा था, और मेरे पापा पढ़े लिखे हैं नहीं, पान दुकान चलाते हैं अभी भी, क्योंकि उन्होंने उसी से हम लोगों को बड़ा किया, तो वो अभी भी उस दुकान को बंद नहीं करते। तो मैंने पूछा था बजट होता है क्या बहुत छोटे, तो उन्होंने कहा था जो दाम घटाता है बढ़ाता है वो बजट है, जो दाम घटाता है बढ़ाता है वो बजट है। बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने समझा दिया था और वो आज तक सेट है मुझे, बजट का डिफिनेशन दाम घटाना बढ़ाना। तो मैं उसी हिसाब से देखता हूँ कि किसका दाम घट रहा है किसका दाम बढ़ रहा है, आप उस पर फोकस करें और आपको स्टॉक्स में मूवमेंट मिल जाएगा। बाकी जिस जो भी मैंने अपने थोड़ा सा थंबनेल के बारे में बताया, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसका आपको मेरा इंटरव्यू मिल जाएगा, किसी दूसरे चैनल वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पूरा आपको मेरी जर्नी के बारे में से पता चल जाएगा। तो रही बात पोर्टफोलियो वाला, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस सेक्टर पे फोकस रखना है, किस सेक्टर पे नहीं रखना है, और डिसीजन आप स्वयं अपना ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे फीडबैक करें, कमेंट करें, और RK Trading मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही RK Trading व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर
फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशनल वीडियो लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।